या धूप में बैठना किस इंसान को अच्छा नहीं लगता, वो भी विंटर के सीजन में। लेकिन यही लाइट, यही धूप हम लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन है। आप लोग सोच रहे होंगे लाइट जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं, हम लोगों की दुश्मन कैसे बन चुकी है। बात करते हैं मई 1985, जगह एंटार्क्टिका। वहां पे एक साइंटिस्ट था डॉक्टर जोसी फॉरमैन, जो नासा के सैटेलाइट हैं, वो फोटोग्राफ भेज देते हैं अपने रिसर्च सेंटर को जो एंटार्क्टिका में था। तो जैसे ही डॉक्टर जोसी फॉरमैन उन फोटोग्राफ्स और उन डाटा को देख लेते हैं, वो गम के मारे अपना सिर जो है वो नीचे कर लेते हैं और वो एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, ओजोन होल और ओजोन डिप्लेशन। क्योंकि डॉक्टर जोसी फॉरमैन को पता था कि जैसे ये ओजोन डिप्लेशन हो जाएगा, इंसान कैंसर का शिकार हो जाएगा। जमीन के ऊपर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। आज इसी टॉपिक पे बात होगी, ओजोन डेप्लीशन या ओजोन होल के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग देखें ये ओजोन है क्या, ओजोन जनरली एक गैस है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों की पाई जाती है जमीन से ऊपर 15 किलोमीटर से। अगर आप लोग ऊपर जाओगे, एटमॉस्फेयर का एक लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर और ओजोनोस्फीयर, उसी लेयर में एक गैस पाई जाती है ओजोन O3। इस गैस को डिस्कवर करने वाला था शुबैन। अब इस गैस की अगर बात करें जमीन के ऊपर, इसको पानी को डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यही गैस आप अगर एयर में है तो ये पोल्यूटेंट है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं ओजोन डिप्लेशन की। ओजोन गैस की अगर बात करें, सूरज से जो हमें रोशनी मिलती है, लाइट की अगर बात करें, लाइट की जो वेवलेंथ अगर है 400 to 700 नैनोमीटर्स, जिसको हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट, जो सात कलर से बनी होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये हमें देखने में मदद करती है। यानी इसी विजिबल लाइट की वजह से हम लोग देख पाते। लेकिन आप अगर लाइट की वेवलेंथ है अबाउट 700 नैनोमीटर्स, उस समय हम लोग उसको कहते हैं इंफ्रारेड रे। आप अगर वेवलेंथ है बिलो 400 नैनोमीटर्स, उसमें हम लोगों की अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती है, ग्रामा रेज आ जाती है, जो हम लोगों के लिए निहायत ही खतरनाक है। यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये डायरेक्टली सूरज से आ जाती है। अब इनके तीन टाइप्स है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। कुदरत ने देखो क्या मैकेनिज्म बनाया था, जो स्ट्रेटोस्फीयर था उसमें ओजोन गैस होती है। जैसे ही ये लाइट सूरज की रोशनी आ जाती है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो जाती है, होती है उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जब इस ओजोन के ऊपर पड़ती है तो ये ओजोन गैस जो है इट फॉर्म ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन। यानी ओजोन गैस जो है जो अल्ट्रावायलेट रेज की जो एनर्जी होती है उसको यूज करता है खुद को ब्रेक डाउन करने में, O2+O बन जाता है। और इसी के साथ ये जो अल्ट्रावायलेट के पास एनर्जी थी वो जमीन पे पहुंच ही नहीं पाती है। पर्टिकुलरली अल्ट्रावायलेट के तीन टाइप्स है, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी और अल्ट्रावायलेट ए। अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी जो है इसको एब्जॉर्ब करती है ओजोन गैस। तो सबसे पहला जो अब इस ओजोन का यूज है वो ये था कि यह अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। सेकेंड वन इंफ्रारेड रेडिएशन जो सूरज से आ जाती है, जब वो जमीन की तरफ आना चाहती है, जैसे ही वो ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करती है 2% इंफ्रारेड रेडिएशन वापस जाती है। तो इस ओजोन लेयर का काम है अर्थ के ऊपर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना।
अब अगर हम लोग बात करें 1984 की, डॉप्सोनोमीटर एक डिवाइस है जो मेजर करता है ओजोन की लेवल। अब इस ओजोन की अगर हम लोग बात करें, ओजोन को डिस्कवर करने वाला था शुबैर, और ओजोन की थिकनेस जो है इसके लिए यूनिट एक है डॉप्सन, और एक डॉप्सन जो है वो 0.01 mm के बराबर होता है। अब 1985 में मई का महीना था, एंटार्क्टिका में डॉक्टर जोसी फॉरमैन को जब नासा के सैटेलाइट ने डाटा प्रोवाइड किया, उसने कहा कि ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है, और वजूद में आया वर्ड ओजोन होल और ओजोन डिप्लेशन। अब जब कभी भी ओजोन की कंसंट्रेशन बिलो हो जाए 200 डॉप्सन, उस समय हम लोग उसको कहते हैं ओजोन होल। ये कोई सुराख नहीं होता है, बल्कि कंसंट्रेशन अमाउंट ओजोन की कम हो जाती है। अब ओजोन, ओजोन होल तो हो गया, अभी जनरली एंटार्क्टिका में ही क्यों है, इसके पीछे पोलर वर्टेक्स और वहां का टेम्परेचर कम होना, जिसकी वजह से बहुत सारी गैसेस ऐसी हैं जो विंटर सीजन के दौरान ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर में चली जाती है। इनमें वो चीजें जो सबसे ज्यादा ब्रेक डाउन करती है, जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्ट करती है किनको, ओजोन मॉलिक्यूल्स को। 1974 रॉवलेट और मॉलिनी, इन्होंने कहा सबसे ज्यादा ओजोन जो है वो डिग्रेड हो रहा है, उसकी थिकनेस कम हो रही है बिकॉज ऑफ क्लोरो फ्लोरो कार्बन, जो हम लोग अपने रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज में या फ्रीजर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल एक दिन में तकरीबन 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन्स, जैसे ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं, वहां पे ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। अब ओजोन की कंसंट्रेशन अब कम अगर हुई तो अल्ट्रा वायलेट रेज ए बी और सी जमीन पे आना शुरू हो जाएंगी। तो होगा क्या इसकी वजह से, सबसे पहले जब ये जमीन पे पहुंचेगी अल्ट्रा वायलेट रेज रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों के ऊपर पड़ेगी, और बीमारी एक होगी फोटो कैरेटोकेटस, यानी हम लोगों का ये जो कॉर्निया जो लाइट को कन्वर्ज करता है ये ड्राई हो जाएगा, आंखों की प्रॉब्लम ज्यादा होगी। सेकंड वन, अगर हम लोग देखें जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एक इंसान के जिस्म के ऊपर पड़ेगी तो बीमारी के खिलाफ जो लड़ने की ताकत है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ये इंसान को स्किन कैंसर करवा सकती है। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जब लीव्स पे पड़ते हैं तो क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और 2% इंफ्रारेड रेडिएशन जब ओजोन की थिकनेस कम होगी तो ये ओजोन जो है थिकनेस कम हुई अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जमीन पे आएंगी, इंफ्रारेड रेडिएशन जमीन पे आएंगी, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। पानी के अंदर जो 71% हम लोगों की जमीन जो है इट इज ऑक्यूपाइड बाय द वाटर, और वहां पे जीव पाए जाते हैं, फिशेस पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स पाए जाते हैं, जब इनके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पड़ेगी तो इनकी क्या हो जाएगी, क्या 16 सितंबर 1987 को दुनिया के बहुत सारे नेशन जो है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि आने वाले समय में हर एक कंट्री जो है ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंसेस का इस्तेमाल करना बंद करेंगे ताकि हम लोगों का ओजोन डिप्लेशन से बच जाए। इंडिया ने इस एग्रीमेंट को 1992 में साइन किया है और हर साल दुनिया में 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। आइए आज